कई जगह से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं। छतरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की मीटिंग के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया, तो मुंगावली में नेताओं के नाम लिखी शिला पट्टियां खुली पड़ी हैं। छतरपुर में बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की मीटिंग रखी गई थी। इस बैठक में जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को बुलाया गया था। इस मीटिंग में जो पैम्पलेट बांटे गए उनमें शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो थे, जिसे आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना गया। इस प्रचार सामग्री से एक पार्टी की जानकारी प्रचारित की जा रही है। जब इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की गई तो वह टालमटोल करने लगी। वहीं महिला एवं बाल विकास अधिकारी का कहना है यह प्रचार की सामग्री पहले की है जिसे बांटा गया है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। प्रचार प्रसार कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में था कि अपन को बेटी को कैसे बचाना है। हाँ, विभाग ने मतदाता जागरूकता स्वीप पे एक जारी किया है मेरे पास, उसके आधार पे 23 तारीख को हमारी डीसी भी है, उसी के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया ताकि सबको पहले से बता दिया जाए कि निर्वाचन की क्या प्रक्रिया रहेगी और हमें क्या क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहाँ पर है उनको मालूम है कि हमारा जाना तय है और वो साम दाम दंड भरी तरीके से इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे। हम आदर्श आचार संहिता का जो इन्होंने उल्लंघन किया है हम चुनाव आयुक्त से मांग करेंगे कि इनको तत्काल प्रभाव से यहां से हटाया जाए। वहीं ऐसी ही खबर अशोकनगर के मुंगावली से आ रही है, जहां अधिकारियों की लापरवाही से सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। मुंगावली में शहीदों के पैडल स्टैंड पर तो अधिकारियों की नजर पहुंच गई पर उसे ढक भी दिया, लेकिन निर्माण कार्य की शिलापट्टियों पर अंकित नेताओं के नाम अधिकारियों को नजर नहीं आ रहे। मुंगावली नगर परिषद के सीएमओ और प्रशासनिक अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों से बैनर पोस्टर एवं पट्टियों के झंडे तो निकलवा लिए, लेकिन नगर के बीचों बीच स्थित अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पैडल स्टैंड को भी कागज से बंद कर दिया गया, लेकिन जगह जगह लगाई गई शिला पट्टिकाएं आज भी नेताओं के नाम को रोशन करती नजर आ रही हैं। जब इस मामले में एसडीएम एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी आरए प्रजापति से बात की गई तो उनका कहना है अधिकांश जगह पर लगी शिला पट्टियों को ढक दिया गया है। कागज वगैरह लगवा दिए हैं, कुछ बात ये बात कोई किसी मोहल्ले के लिए मोहल्ले में रह गई तो जैसी हमारी नॉलेज में आएगी तो लगवा देंगे। वैसे हम सीएमओ से बोल रहे हैं कोई छूटे नहीं, कोई ऐसी पट्टिका रह जाए जिस पर किसी का नाम प्रदर्शित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्देश दिए हुए हैं, हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। आपको भी नॉलेज में कहीं आएगा आप हमें बता सकते हैं, टेलीफोन से भी बता सकते हैं, तत्काल उसको बता। क्या है मुंगावली से पूरी खबर इस पर हमारे संवाददाता विक्रम सिंह से हम बात करेंगे। विक्रम, जानना चाहूंगी जिस पैडल स्टैंड पे फौजियों के व्याख्यान को लिखा गया था वो तो ढक दिया गया आचार संहिता के नाम से, लेकिन नेताओं के नामों को ढकना भूल गए अधिकारी? जी जी जी, देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं जी, ये मुंगावली के वार्ड नंबर 11, 12, 13 में जो भी खुलेआम उनकी स्लिप पट्टी चिपकी हुई है उनको तो अधिकारियों ने नहीं ढककर, जो हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं उनकी पट्टी पर ध्यान लगाकर उनका पूरा पैडल पर उनका वो चिपका दिया गया जी। और बाकी जो भी ग्रामीणों में भी ऐसा ही चल रहा है, आचार संहिता का खुला उल्लंघन चल रहा है जी। जी, अधिकारियों को फौजियों की कथा नजर आई और ढक दिया और नेताओं के नाम शिला पट्टियों पे नजर नहीं आए, जिन उनका व्याख्यान मुझे लगता है अधिकारी भी साथ दे रहे हैं। जी जी, इसमें ऐसा ही लग रहा है कि जबकि कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी जो है कहीं ना कहीं वो चल रहा है, जबकि ग्रामीणों में भी कई करोड़ों की इमारतों का वो हुआ है तो उनको भी आचार संहिता का उल्लंघन खुला दिखाई दे रहा है जी। शुक्रिया विक्रम जानकारी देने के लिए।